हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस न्यूज़ वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सन टीवी शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सन टीवी शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिसकी वजह से हम लोग बात करेंगे। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का क्लोजिंग जो है वो आपको काफी अच्छे लेवल पे हुआ है। स्टॉक 500 के लेवल से जस्ट नीचे क्लोज हुआ है। 494.55 रुपीज पे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे 492-500, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिसंबर मंथ में रेजिस्टेंस लिया, वापस से पुल बैक करके जनवरी मंथ में रेजिस्टेंस लिया। अगेन यहाँ पे एक हम लोगों को राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से जो है एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और कभी भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है, जो आपको बॉटम डेप्थ होता है वही हम लोगों का ऊपर की साइड में टारगेट होता है। तो स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देके क्लोज नहीं दिया है, बट ब्रेकआउट लेवल से जस्ट नीचे स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अगर इस लेवल को स्टॉक क्रॉस कर लेता है तो फिर 525 दूसरा रेसिस्टेंस होगा, और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर 550 का लेवल जो है वो आपको सेकेंड रेसिस्टेंस होगा। चलिए अगर वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हम लोगों को सेम सेटअप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्टॉक काफी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, वीकली बेसिस पे भी एक अच्छा क्लोजिंग हुआ है। तो 500 के लेवल के ऊपर इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग बाई साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। 494.55 रुपीज के लेवल पे स्टॉक क्लोज हुआ है। हम लोग एंट्री लेंगे 500 के लेवल के ऊपर। अगर 500 के लेवल के ऊपर स्टॉक 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो फिर हम लोग इस स्टॉक में एंट्री लेंगे। इनिशियल स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ पे 475 का होगा। इनिशियली 25 पॉइंट का एसएल होगा, लेकिन एक बार अगर स्टॉक 510-515 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 485 रुपीज के लेवल पे ले आएंगे। पहला टारगेट 525 का होगा, दूसरा टारगेट 550 का होगा। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।